आपने जो आज कार्यक्रम मनाया किस उपलक्ष्य में मनाया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव थे। पहले ही हमारे 21 निर्विरोध और नाम वापसी लेने के बाद विजयी हो गए थे, और आज हमारे चुनाव में टोटल मिला के हमारे जो है 65 जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे प्रदेश में बन गए, और ये एक तरह से पूरी लहर है। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जिले के महामंत्री अभिनव कौशिक जी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ अपने आवास पर कार्यालय पर धूमधाम से मिठाई और जो है बैठक की है कि भाई कार्यकर्ता तैयार रहें, जनता हमारे साथ है, और हम जो है ये सेमीफाइनल चुनाव कहा जा रहा था, अब जो है फाइनल चुनाव हमारा विधानसभा है, उसमें हमें लगना है सबको। यही कार्यकर्ताओं को बताया गया, कहा गया और खुशी मनाई। माननीय मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की है, आज उस पर मुहर लगा के उत्तर प्रदेश की जनता ने जिला पंचायत अध्यक्ष का बहुत बड़ा चुनाव जो आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, आज उसमें धमाकेदार जीत आप सबके आशीर्वाद से कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी ने आज आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार कैसे बनाने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में लहराया भाजपा का परचम, जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बांटी मिठाई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। धनौरा चेयरमैन अध्यक्ष राजेश सैनी के आवास पर जिला महामंत्री अभिनव कौशिक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का जश्न मनाया। अभिनव कौशिक ने इसे विकास की जीत बताया। उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठा का सवाल बने व विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहे जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपना परचम लहरा दिया है। इस मौके पर सौरभ सैनी, कमल प्रधान, सुनील प्रजापति, विवेक अग्रवाल, मास्टर कमलवीर सिंह, जितेंद्र प्रजापति, करुण गुप्ता, दयानंद चौधरी, कपिल सैनी, ओम प्रकाश सैनी, महेंद्र सिंह, मोहित शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।